मेरी शादी कराना चाहते हो ना? अगर मैं से शादी कर लूंगी ना तो मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म हो जानी है। तो उससे अच्छा है मैं अपनी जिंदगी अभी की अभी खत्म कर दूं। सिमी 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 रुक जा सिमी 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 तू मेरे लिए भाई है जो जो मनु है मैं अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करती हूँ तू क्या करे सिमी नहीं करती आप प्यार अब सिर्फ और सिर्फ मनु से प्यार करती है ना आप मुझसे प्यार करती है ना आप गुंजन से प्यार करती मैं अगर आप इतना ही नफरत करती है लड़कियों से तो हमें पैदा होती मार देनी चाहिए थी ना नहीं सिमी आप में और बाकी सब में कोई फर्क नहीं है नहीं सिमी ये सच नहीं है ये बिल्कुल सच नहीं है यही सच है मम्मी आप मुझे यहाँ से लेके जाना चाहती है और उस गंदे इंसान के हाथों में सौंपना चाहती है मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा ऐसा मत कर मैं मर जाऊंगी मुझे इतना मजबूर मत करो ऐसा नहीं है बेटी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो फिर आप मन्नू को बीजी के पास क्यों नहीं भेज देती नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा नहीं भेज सकती मुझसे सच मत बोलवा दे मैं सबको सबको सच पता चल जाएगा सच सिर्फ ये है मम्मी कि आप मन्नू को अपने पास रखना चाहती हो बस चाहे उसके लिए किसी को जान भी क्यों ना देनी पड़े आप अपने बेटे के लिए अपनी बेटी की बलि देने को तैयार हो मेरा कोई बेटा ही नहीं है मनु मेरा बेटा नहीं है सच है ये सच है कि मनु को मैं अपने से दूर नहीं रख सकती एक मिनट के लिए भी उसे अपने से दूर नहीं रख सकती क्योंकि तेरी माँ ने झूठ बोला था बहुत बड़ा झूठ मनु लड़का नहीं है लड़की है मनु तेरा भाई नहीं तेरी सबसे छोटी बहन हम अंग्रेज थोड़े ही ना है जो अंग्रेजी पिएंगे हम तो देसी है देसी पिएंगे ले तेरे लिए भी है आज मैं दे, 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 देसी नहीं पी सकता मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है छोटू अरे शाम यस सर वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे पहुंचे नहीं पता अभी तक तो कोई नहीं आया सर अच्छा ठीक है हेलो हेलो क्या बात है कहाँ जा रहे हो सच धस के अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं अरे वाह चाचा तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।